सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जिनका बजट बहुत ज्यादा टाइम है, मतलब जिनके पास गाइस लिमिटेड मनी है एक आईफोन बाय करने के लिए। सो गाइस, इस बजट सेगमेंट वाली वीडियो मैंने दो कैटेगरी बना रखी है गाइस। फर्स्ट कैटेगरी है गाइस 25,000 से 35,000 के बीच जिनका बजट है, उन सभी के लिए मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा आईफोन बाय करना चाहिए, सेकंड या न्यू आईफोन बाय करना चाहिए गाइस। और वही गाइस सेकंड कैटेगरी है 35,000 से लेके 45,000 के बीच की, आप सभी लोग सेकेंड या न्यू आईफोन बाय करना चाहिए। तो इसी बजट सेगमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ आप सभी लोगों के लिए और सारे कुछ कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ, कौन से आईफोन आप सभी लोगों को वैल्यू फॉर मनी होने वाला है इस बजट वाली वीडियो में, इस सब कुछ बातें मैं बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट कैटेगरी 25,000 लेके 35,000 के बीच आप सभी लोगों को कौन से आईफोन के लिए जाना चाहिए। वैसे न्यू की बात करें गाइस, आप सभी लोगों को इस बजट में सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों को XR ही न्यू देखने को मिलेगा। और गाइस आईफोन SE सेकंड जनरेशन जो कि 2020 वाला है वो आप सभी लोगों को न्यू देखने को मिलेगा। XR आप सभी लोगों को न्यू 35,000 के अराउंड देखने को मिल रहा है गाइस। और वहीं गाइस आईफोन SE 2 आप सभी लोगों को 28,000 के अराउंड देखने को मिल रहा है गाइस। तो अगर आप सभी लोगों को न्यू बाय करना है ये दोनों फोन, तो मेरी सजेशन यही रहेगा कि आप लोग दोनों ही फोन के लिए मत जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा ओल्ड और बहुत ज्यादा आउटडेटेड फोन हो गए हैं दोनों गाइस। और वहीं बात करते हैं गाइस सेकंड हैंड आईफोन की, आप सभी लोगों को इस प्राइसिंग सेगमेंट में कौन-कौन से सेकंड हैंड आईफोन देखने को मिल सकते हैं और कौन से आप सभी लोगों को इस प्राइसिंग में वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। तो गाइस सेकंड हैंड आईफोन आप सभी लोगों को इस कैटेगरी में आप सभी लोगों को आईफोन XR, आईफोन 11 और आईफोन 12 मिनी देखने को मिल जाएगा। सेकंड हैंड आईफोन गाइस 25,000 से लेकर 35,000 के अराउंड देखने को मिलेगा ये तीनों फोन गाइस सेकंड हैंड। तो गाइस इन तीनों फोन में से कौन सा वैल्यू फॉर मनी होने वाला है इस प्राइसिंग पे, तो गाइस इस प्राइसिंग पे आप सभी लोगों को आईफोन 11 वैल्यू फॉर मनी होने वाला है सेकंड हैंड आईफोन गाइस। और वहीं गाइस आईफोन 11 की प्राइसिंग की बात करें तो आप लोगों को सेकंड हैंड 28,000 से लेकर 30,000 के बीच में अगर देखने को मिलता है आईफोन 11, तो आप सभी लोग डेफिनेटली आईफोन 11 के लिए जा सकते हैं सेकंड हैंड गाइस। वही न्यू की बात करते हैं गाइस, अगर आप सभी लोगों को न्यू के लिए जाते आईफोन 11 के लिए तो गाइस आप सभी लोगों को 42,000 के राउंड देखने को मिलता है न्यू। लेकिन गाइस आप सभी लोगों को अगर आईफोन 11 बाय ही करना है तो आप सभी लोगों को इस प्राइसिंग पे सेकंड हैंड ही बाय करें। और वहीं गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हमारे दूसरे कैटेगरी जिनका बजट 35,000 से लेके 45,000 के बीच में देखने को मिलता है, तो गाइस इस प्राइसिंग पे आप सभी लोगों को न्यू आईफोन जैसे कि आप सभी लोगों को आईफोन 11 देखने को मिल जाएगा और वहीं गाइस आईफोन 12 मिनी भी देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से यही दोनों फोन है जो आप सभी लोग न्यू देखने को मिलेगा इस बजट के बीच में गाइस। तो गाइस आप लोगों को ये दोनों ही फोन नहीं बाय करना चाहिए इस बजट में अगर आप सभी लोग हैं गाइस। और वहीं गाइस सेकंड हैंड आईफोन की बात करें तो आप लोगों को इस बजट में सेकंड हैंड आप सभी लोग गाइस आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 और गाइस आप सभी लोग गाइस आईफोन 13 मिनी भी इस बजट में देखने को मिलेगा सेकंड हैंड आईफोन की मैं बात कर रहा हूं गाइस, सेकंड हैंड आईफोन 13 मिनी। सो गाइस इस बजट में आप लोगों को इन तीनों फोन में से किस फोन के लिए जाना चाहिए, तो आप सभी लोगों को बजट अगर गाइस 35,000 लेके 45,000 के बीच है तो आप सभी लोगों को आईफोन 12 के लिए जाना चाहिए गाइस, क्योंकि आईफोन 12 गाइस एक लेटेस्ट फोन देखने को मिलता है और वही लेटेस्ट डिजाइन के साथ भी देखने को मिलता है। और प्लस पॉइंट ये भी है कि इसमें आप लोगों को 5G की टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, जिसके हिसाब से आप लोगों को आराम से 4 से 5 साल इस फोन को चला सकते हो, क्योंकि गाइस 4G वाले फोन लेने से कोई फायदा है नहीं अगर आप लोगों को 4 से 5 साल एक आईफोन को यूज करना है तो। और वही गाइस आईफोन 12 में आप लोग गाइस आईफोन 11 से कैमरा भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आईफोन 11 में गाइस 6.1 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलता है, वही आप लोग को सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले देखने को मिलता है आईफोन 12 में। तो गाइस आप लोग गाइस आईफोन 12 अगर आप लोग को सेकंड हैंड 38,000 लेके 40,000 के बीच में देखने को मिलता है तो आप लोग डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो। और वहीं गाइस इस बजट में आप लोग को यही सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से देखने को मिलेगा आईफोन 12 सेकंड हैंड गाइस। और वहीं गाइस बात करते हैं बिग बिलियन डे सेल की, तो अगर आप सभी लोग इंतजार कर सकते हो बिग बिलियन डे सेल की तो आप लोग डेफिनेटली इंतजार कर सकते हो, क्योंकि आप लोग का बजट अगर 25,000 लेकर 35 और 35 लेकर 45,000 के बीच में देखने को मिल रहा है, तो इसी बजट में आप लोग को बिग बिलियन डे सेल में अच्छी खासी प्राइस ड्रॉप देखने को मिलने वाली है सारे आईफोन में, तो आप लोग को इसी बजट में एक न्यू आईफोन देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अगर मैं पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊं तो आप लोग बिग बिलियन डे सेल का डेफिनेटली इंतजार करें गाइस, क्योंकि आप लोग को अच्छी खासी प्राइस ड्रॉप देखने को मिलने वाली है सारे आईफोन में। और वहीं गाइस आप लोग सबसे ज्यादा आईफोन 13 पे सबसे ज्यादा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलने वाला है बिग बिलियन डे सेल में। अगर आप लोग आईफोन 13 को बाय करना चाहते हो तो आप लोग को डेफिनेटली बिग बिलियन डे सेल के लिए इंतजार करना चाहिए। तो गाइस बस इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आप लोग को ये बजट सेगमेंट वाली वीडियो पसंद लगी हो। अगर गाइस आप लोग ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं बजट वाइज तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, मैं आप लोगों के लिए एज वेल एज पॉसिबल आप लोग वीडियो जरूर बनाऊंगा गाइस। और वहीं गाइस अगर आप लोगों को बजट के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या कोई भी कमेंट करना तो आप लोगों को नीचे कमेंट कर देना।
मैं उसका रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करूंगा गाइस। सो गाइस आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद लगी हो, पसंद लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।